हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर में सबसे पहले आपको बताएंगे जहां पर राष्ट्रपति बनने से पहले ही चीन की भाषा बोलने लगा। मालदीव के राष्ट्रपति कहा शपथ लेने दो फिर भारतीय सेना को निकालूंगा अपने देश से। जी हां दोस्तों, मालदीव के नए राष्ट्रपति ने कहा कि शपथ लेते ही एक हफ्ते में भारतीय सेना को देश से बाहर निकालूंगा। जी हां दोस्तों, बताएंगे आखिर ऐसा भड़काऊ बयान और भारत के खिलाफ बयान क्यों दिया गया है। दोस्तों साथ ही साथ आपको बड़ी खबर बताएंगे जहां अमेरिका ने हमास को दे दी ऐसी तगड़ी चोट कि जिंदगी भर कांपता रहेगा आतंकी संगठन। जी हां दोस्तों, बताएंगे क्या कदम उठाया है जो बाइडेन ने। साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां पर बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान फायरिंग में भारत के दो जवान हो गए जख्मी, जिसके बाद हाई अलर्ट पर सेना। जी हां, साथ ही साथ मोदी सरकार द्वारा पेंशन को लेकर सबसे बड़ी खबर। दोस्तों एक से एक बड़ी खबर आपको बताएंगे, बने रहिएगा वीडियो अंत तक। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट, अगर आप भी अपने भारत देश का, भारतीय सेना का, भारत के संप्रभुता अखंडता का दिल से समर्थन करते हैं और मानते हैं कि मोदी है तो हर चीज मुमकिन है, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हां दोस्तों, तो चलते पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ जहां अमेरिका ने हमास को दे दी तगड़ी चोट, लगाया ऐसा बैन कि अब छटपटा उठेगा आतंकी संगठन। जी हां, हमास की कमर तोड़ेगा अमेरिका। तुर्की और कतर से फंडिंग करने वाले 10 सदस्यों पर लगाया बंद। बता दें इजराइल पर रॉकेट की बरसात कर जंग का ऐलान करने वाले हमास को अमेरिका ने ऐसा तगड़ा झटका दिया है कि वो जिंदगी भर सोचता रहेगा। अमेरिका ने न केवल हमास के 10 सदस्यों पर बैन लगाया है बल्कि वित्तीय नेटवर्क पर बड़ा हथौड़ा चलाया है। दरअसल अमेरिका ने हमास के 10 सदस्यों और फलस्तीनी आतंकवादी संगठन के गाजा, सूडान, तुर्की, अल्जीरिया तथा कतर में फैले वित्तीय नेटवर्क के एक समूह के खिलाफ बुधवार को प्रतिबंधों की घोषणा की है। अमेरिका ने इजराइल पर हमास के अचानक किए हमले में 1,000 से अधिक लोगों के मारे जाने और उन्हें अगवा किए जाने की प्रतिक्रिया में एक कदम उठाया है। दरअसल इजराइल के प्रति समर्थन व्यक्त करने के लिए बुधवार को पश्चिम एशिया पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल और हमास के बीच बढ़ते युद्ध में तनाव कम करने की कोशिश की है। अमेरिका ने कहा कि अमेरिकी वित्त मंत्रालय का आतंकवाद के वित्त पोषण को प्रभावी रूप से नष्ट करने का लंबा इतिहास रहा है और हम हमास के खिलाफ अपने साधनों का इस्तेमाल करने से गुरेज नहीं करेंगे। अमेरिका का लगाया यह प्रतिबंध एक सीधे तरह से वित्तीय दंड है जिसका उद्देश्य अमेरिका में रखे गए धन तक पहुंच को रोकना और लोगों और संस्थाओं को अमेरिकी लोगों और फर्मों के साथ व्यापार करने से रोकना है। जी हां दोस्तों, इतना ही नहीं आपको यह भी बता दें जो बाइडेन ने गाजा की सहायता के लिए $100 मिलियन देने का सबसे बड़ा ऐलान कर दिया है। साथ में हमास हमले की तुलना 9/11 से कर दी है। जी हां, तेल अभी में अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने गाजा और वेस्ट बैंक की सहायता के लिए नई अमेरिकी फंडिंग में $100 मिलियन देने की घोषणा कर दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने साथ में कहा कि इजराइल पर हमला करने के बारे में सोचने वाले किसी भी देश को मेरा साफ संदेश है कि वे ऐसा ना करें। इजराइल पर जो हमला हुआ है उसे हमने देखा है, ये 9/11 जैसा आतंकवादी हमला था। इजराइल जैसे देशों के लिए ये कई 9/11 जैसा था। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ बाइडेन ने कहा कि हमास हमले के बाद से ही अमेरिका इजराइल के संपर्क में बना हुआ है। हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि इजराइल के पास अपने लोगों की रक्षा करने के लिए आवश्यक चीजें उपलब्ध हों, इसीलिए हमने $100 मिलियन देने की घोषणा की है। साथ ही साथ आपको बता दें नेतन्याहू का सबसे बड़ा बयान, कहा हमास को मिटाकर ही दम लेंगे। कहा ये 1400 नहीं 50,000 अमेरिकियों की हत्या के बराबर है। जी हां, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दौरे पर आए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से कहा कि तेल अवीव गाजा युद्ध में नागरिक हताहतों से बचने की कोशिश करेगा। हालांकि उन्होंने इसे हमास की रणनीति के कारण चुनौतीपूर्ण बताया। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा ये एक अलग तरह का युद्ध होगा क्योंकि हमास एक अलग तरह का दुश्मन है। उन्होंने आगे कहा जैसे ही हम इस युद्ध में आगे बढ़ेंगे इजराइल नागरिकों को नुकसान से दूर रखने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। दोस्तों अमेरिका का समर्थन देने पर इजरायली प्रधानमंत्री ने उनका धन्यवाद भी जताया। नेतन्याहू ने कहा कि हमास ने 1400 इजरायलियों की हत्या कर दी है, शायद इससे भी अधिक। उन्होंने कहा कि ये 1 करोड़ की आबादी वाले देश में हुआ है, ये एक ही दिन में 50,000 से अधिक अमेरिकियों की हत्या के बराबर है। जी हां दोस्तों, बात करते अगली बड़ी खबर की जहां राष्ट्रपति बनने से पहले ही चीन की भाषा बोलने लगा। मालदीव के राष्ट्रपति मोइजू कहा शपथ लेने दो फिर भारतीय सेना को निकालूंगा मालदीव देश से बाहर। जी हां, मालदीव के नए राष्ट्रपति का बड़ा ही भड़काऊ बयान, भारत के विरोध में बयान, कहा एक हफ्ते में भारतीय सेना को देश से निकालूंगा बाहर। बता दें मालदीव के नव निर्वाचित राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू ने एक बार फिर से भारत विरोधी बयान दिया है। मुइजू ने अपने चुनावी वादे को फिर से दोहराते हुए कहा है कि वो पदभार संभालने के एक हफ्ते के भीतर मालदीव से भारतीय सेना को बाहर कर देंगे। अल जजीरा को दिए एक इंटरव्यू में मालदीव के राष्ट्रपति ने कहा कि जिस दिन वो पदभार संभालेंगे उसी दिन वो भारतीय सैनिकों को मालदीव
शिप से वहाँ पर जाने के लिए अनुरोध करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, ये उनकी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। उन्होंने कहा कि वो इसे राजनयिक तरीकों से हासिल करेंगे। मालदीव में 17 नवंबर को नव निर्वासित राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजो के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी चल रही है। व्यापक रूप से चीन समर्थक नेता के रूप में देखे जाने वाले मुइजो ने पिछले महीने राष्ट्रपति पद की दौड़ में निवर्तमान इब्राहिम सोली को हराया था। मुइजो ने अल जजीरा से बात करते हुए कहा कि वे कुछ दिनों पहले भारतीय उच्चायुक्त से मिले थे। इस दौरान उन्होंने उनसे कहा कि हमें इस मुद्दे को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बनाने की आवश्यकता है। उन्होंने यानी भारत ने इसे सकारात्मक रूप से लिया और कहा कि वो इस पर आगे बढ़ने का रास्ता खोजने के लिए हमारे साथ मिलकर काम करेंगे। हालांकि इसके साथ ही मुइजो ने स्वीकार किया कि उन्हें मालदीव में भारतीय सैन्य कर्मियों की संख्या के बारे में जानकारी नहीं थी। उन्होंने कहा कि सदियों से हम बहुत शांतिपूर्ण देश रहे हैं, हमारी धरती पर कभी भी कोई विदेशी सेना नहीं रही, हमारे पास कोई बड़ा सैन्य ढांचा नहीं है और हमारी धरती पर किसी भी विदेशी सेना के रहते हम सुरक्षित महसूस नहीं करते। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में मालदीव के नए राष्ट्रपति का चीन प्रेम उभरता नजर आ रहा है। क्लियर दिखाई दे रहा है कि चाइना के साथ और चाइना की तरफ मालदीव के राष्ट्रपति का झुकाव है। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि क्या उनकी विदेश नीति का झुकाव चीन की ओर होगा, तो मुइजो ने कहा कि वो हमेशा मालदीव समर्थक नीति का पालन करेंगे। उन्होंने कहा कि हम किसी भी देश को खुश करने के लिए उसका पक्ष नहीं लेंगे, चाहे वो कोई भी देश क्यों ना हो। बहरहाल दोस्तों, कहने और करने में बहुत फर्क होता है। कोई भी कंट्री, कोई भी देश, किसी भी देश का प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति, वो कभी नहीं कह सकता कि हम इस देश को खुश करने के लिए ये एक्शन ले रहे हैं, जबकि रियलिटी या यूं कह ले इंटरनल प्रोग्राम कुछ और ही होता है। बहरहाल दोस्तों, जिस प्रकार से ये बयान दिया गया है भारत के खिलाफ कि शपथ लेने दो फिर भारतीय सेना को निकालूंगा बाहर, इस पर दोस्तों आपकी क्या राय होने वाली है राष्ट्रपति मुइजो को लेकर, कमेंट में अपनी राय दीजिएगा। आज जितना ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर, ताकि हर कोई मालदीव के इस नए राष्ट्रपति के चाल को समझ सके और अपनी राय रख सके। चलते अगली खबर की तरफ, जहां नहीं बाज आ रहा पाकिस्तान, फायरिंग में भारत के 2 जवान हुए जख्मी, बढ़ाई गई सुरक्षा। जी हां, पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आता नजर नहीं आ रहा। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अरनिया सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से बड़ी गोलीबारी की गई है। बीती रात हुई इस फायरिंग में BSF के 2 जवान जख्मी हो गए। दोनों जवानों को जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पाकिस्तान की ओर से फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब भारत ने भी दिया है। BSF ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। बताया जा रहा है कि सीमा पर बने लॉन्चिंग पैड पर कई आतंकी मौजूद हैं, जो बर्फबारी से पहले भारत में घुसपैठ करने की फिराक में हैं। इसी के चलते पाकिस्तान ने फायरिंग को अंजाम दिया है ताकि आतंकी सीमा पार कर भारत में दाखिल न हो सके। सेना के अधिकारियों के मुताबिक BSF के जवान लाइट ठीक कर रहे थे, इसी दौरान पाकिस्तानी रेंजर्स ने उन पर गोली चलाएगी। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के मुताबिक ये घटना इंटरनेशनल बॉर्डर पर बीती रात करीब 8:15 पर हुई। भारतीय जवानों ने भी पाकिस्तानी फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दिया। हालांकि इस फायरिंग में भारत के 2 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए, जख्मी हो गए। दोस्तों आपको बता दें, आपकी जानकारी के लिए, कि साल 2021 में भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम का समझौता हुआ था। इस समझौते में तय किया गया था कि दोनों देश जम्मू कश्मीर और आसपास के क्षेत्रों में नियंत्रण रेखा पर युद्ध विराम के समझौतों का पालन करेंगे। लेकिन बीते मंगलवार को पाकिस्तान ने समझौते का उल्लंघन कर गोलीबारी फिर से शुरू कर दी। जी हां, गौरतलब है कि सर्दियों के दिनों में पाकिस्तानी आतंकी भारतीय सीमा में घुसने की काफी ज्यादा कोशिश करते हैं। पाकिस्तान की इस हरकत के बाद अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ नियंत्रण रेखा पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान को इसकी सजा मिलनी चाहिए? और जिस प्रकार से सीज फायर को तोड़ा गया है पाकिस्तानी रेंजर्स के द्वारा, कहीं ना कहीं इसका करारा और माकूल जवाब मिलना चाहिए। तो अपनी राय बच दीजिएगा और कमेंट में मोदी या तो मुमकिन है लिखना मत भूलिएगा। चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां 12 दिनों बाद गाजा पहुंचेगा खाने पीने का सामान। जो बाइडेन की अपील के बाद नेतन्याहू ने भरी हामी, लेकिन बदले में रख डाली 3 शर्तें। क्या हमास को होगा ये कबूल, बता दें। इजराइल ने बुधवार को कहा है कि वो मिस्र को गाजा पट्टी में मानवीय सहायता की सीमित खेप पहुंचाने की अनुमति देगा। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने कहा कि इजराइल की यात्रा पर आए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के अनुरोध पर यह फैसला लिया गया है। इजराइल ने अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया है कि गाजा को सहायता कब से पहुंचनी शुरू हो जाएगी, लेकिन इसी दौरान इजराइल ने इस मंजूरी को देने के साथ साथ 3 शर्तें भी रख डाली है। इजराइल का कहना है कि अगर इन शर्तों का पालन किया गया तभी वो इसकी मंजूरी देगा। ऐसे में अब देखना यह होगा कि हमास इस फैसले को, इन शर्तों को मंजूर करता है कि नहीं करता। आखिर वो शर्तें क्या है, तो आपको बता दे, पहली शर्त में कहा गया है कि वो खाद्य सामग्री, पानी और दवा की आपूर्ति को नहीं रोकेगा, बशर्ते कि आपूर्ति हमास तक ना पहुंचे, यानी हमास के आतंकियों तक ना पहुंचे। बयान में अत्यधिक आवश्यक ईंधन का कोई जिक्र नहीं किया गया है। दूसरी शर्त यह है कि इजराइल अपने क्षेत्र
से गाजा में आपूर्ति पहुंचाने की अनुमति नहीं देगा। सिर्फ और सिर्फ मिस्र की सीमा से ही इन्हें गाजा में पहुंचाया जाएगा। इजराइल की तीसरी शर्त यह है कि इंटरनेशनल रेड क्रॉस को गाजा में बंधक बनाए गए अपहंत इजरायलियों से मिलने की अनुमति दी जाए। इजराइल के इस ऐलान पर अभी तक हमास की तरफ से प्रतिक्रिया नहीं आई है। ऐसे में गाजा के लोगों की सहायता अब हमास के रहमो करम पर टिकी हुई है। अगर हमास चाहेंगे तो ही ये सहायता मिल पाएगी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि उसके लिए हमास को ये तीनों शर्तें माननी पड़ेंगी फिलिस्तीन के लोगों को। बहरहाल दोस्तों, चलते एक और बड़ी खबर की तरफ, जहाँ पाकिस्तान की सबसे बड़ी चाल हुई नाकाम। भारत को लेकर हुई शिकायत पर आईसीसी ने सुनाया बहुत बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अहमदाबाद में भारत के खिलाफ वर्ल्ड कप मैच के दौरान दर्शकों के कथित अभद्र व्यवहार को लेकर की गई शिकायत पर कार्रवाई होने की संभावना नहीं है, क्योंकि नस्ल भेदी संहिता केवल व्यक्तिगत मामलों तक सीमित है और उसके तहत एक समूह नहीं आता है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 1,00,000 से भी अधिक दर्शक मौजूद थे। पाकिस्तान का समर्थन करने के लिए पाकिस्तानी मूल के 3 अमेरिकी दर्शक ही उपस्थित थे। मोहम्मद रिजवान जब आउट होकर पवेलियन लौट रहे थे तो दर्शकों के एक समूह ने धार्मिक नारेबाजी की। इसके बाद पीसीबी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी के सामने शिकायत दर्ज करवाई। पाकिस्तान के क्रिकेट निदेशक मिकी आर्थर ने स्वीकार किया था कि भारत के हाथों 7 की हार के दौरान उनके खिलाड़ी दर्शकों के शोर से परेशान थे। ऐसा समझा जाता है कि आईसीसी ने शिकायत पर संज्ञान लिया है और वो उस पर अपनाई जाने वाली प्रतिक्रिया का पता लगा रही है। लेकिन आपको बता दें, भारतीय क्रिकेट बोर्ड यानी बीसीसीआई और आईसीसी में काम कर चुके एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि आईसीसी प्रत्येक शिकायत को बेहद गंभीरता से लेती है, लेकिन संहिता व्यक्तियों को लेकर है। मैं नहीं जानता कि पीसीबी क्या चाहता है, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई करना बेहद मुश्किल होगा। जी हाँ दोस्तों, इस पर आपका क्या टेक है कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। चलते अगली खबर की तरफ, जहाँ फ्रांस में धमकी भरे ईमेल से फिर मच गई खलबली। तुरंत खाली कराए गए 6 एयरपोर्ट्स। जी हाँ दोस्तों, खतरे में 2 दर्जन से ज्यादा यूरोपीय देश। टेंशन में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन। बता दें, फ्रांस में बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद फटाफट 6 एयरपोर्ट को खाली करा लिया गया है। हालांकि अभी यह साफ नहीं हुआ है कि ईमेल किसने भेजा है और इसमें देश में कहां हमला करने की बात कही गई है, लेकिन एहतियात के तौर पर पुलिस ने 6 एयरपोर्ट खाली करा लिए हैं। एक पुलिस सूत्र ने एजेंसी को बताया है कि पेरिस के पास लिली, लयोन, नेंटस, नीस, टुलूज और ब्यूवेश एयरपोर्ट को खाली कराया गया है। पुलिस मामले की जांच भी कर रही है। इससे पहले मंगलवार को भी बम की धमकी के बाद फ्रांस के वर्सेल्स पैलेस को खाली कराया गया था। चलते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ, जहां गाजा में अस्पताल पर सबसे बड़े विस्फोट की खबर, जहां प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनाया संतुलित स्टैंड, कहा नागरिकों की मौत गंभीर चिंता का विषय। जी हाँ दोस्तों, हमास संग जंग के बीच जैसे ही अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन बुधवार को इजराइल पहुंचे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बयान जारी कर गाजा के अल अहली अस्पताल पर हुए हमले में लोगों की मौत पर दुख व्यक्त किया। गाजा के अस्पताल पर हमले में बड़ी संख्या में लोगों के मारे जाने पर दुख व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि जारी संघर्ष में आम नागरिकों का हताहत होना गंभीर चिंता का विषय है और इसमें शामिल लोगों को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री का ये बयान उनके पहले के 2 बयानों के बाद आया है, जिसमें 7 अक्टूबर को हमास द्वारा किए गए आतंकवादी हमले के बाद इजराइल के साथ एकजुटता व्यक्त की गई थी। भारत ने अब दोनों पक्षों के नागरिकों के मारे जाने की घटना की निंदा की है और एक अच्छी संतुलन रेखा बनाए रखी है। जी हाँ दोस्तों, पीएम मोदी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट लिखा है जिसको पहले ट्विटर कहा जाता था। गाजा के अल असली अस्पताल में लोगों की दुखद मौत से मुझे गहरा सदमा लगा है। पीड़ित परिवारों के प्रति हमारी हार्दिक संवेदनाएं और घायलों के शीघ्र अस्पताल में स्वस्थ होने की कामना की है। जारी संघर्ष में आम नागरिकों का हताहत होना गंभीर और निरंतर चिंता का विषय है। इसमें शामिल लोगों को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। ये बात दोस्तों पीएम नरेंद्र मोदी जी ने एक्स पर ट्वीट करके अपनी बात रखी है। साथ ही साथ इतना ही नहीं, इस मुद्दे पर व्लादिमीर पुतिन का भी बड़ा बयान आया है। गाजा अस्पताल हमले पर पुतिन ने कहा कि ये त्रासदी और मानवीय आपदा है। जी हाँ, गाजा अस्पताल में हुए हमले पर रूसी राष्ट्रपति पुतिन का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अस्पताल पर यह हमला एक त्रासदी और मानवीय आपदा है। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे उम्मीद है कि ये एक संकेत होगा कि संघर्ष समाप्त होना चाहिए। जी हाँ, साथ ही साथ अगली खबर की बात करें, जहाँ भारत ने ऑपरेशन अजय के तहत इजराइल से 18 नेपाली नागरिकों को भी निकाला। जी हाँ, फॉरेन मिनिस्टर सऊद ने कहा भारत को थैंक यू। जी हाँ, इजराइल हमास युद्ध के बीच इजराइल से भारत नागरिकों को बाहर निकालने के लिए चलाए गए ऑपरेशन अजय के तहत 18 नेपाली नागरिकों को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया। इसके लिए नेपाल के विदेश मंत्री ने भारत की सराहना करते हुए भारत को धन्यवाद कहा। गौरतलब है कि इजराइल और हमास के बीच जंग जारी है। सभी देश अपने अपने नागरिकों को जंगी देशों से बाहर निकाल रहे हैं। भारत ने भी इजराइल में रहते अपने हजारों नागरिकों के स्वदेश वापसी के लिए ऑपरेशन अजय चलाया हुआ है।
विदेश मंत्रालय की देखरेख में चल रहे इस ऑपरेशन के तहत भारतीयों को एयरलिफ्ट कर देश लाया जा रहा है। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें, जहां भारत के दुश्मन पाकिस्तान से आखिर दोस्ती क्यों बढ़ा रहे हैं पुतिन। चीन के झंडे तले दोनों देशों में क्या हुई बातचीत, बताते रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बीजिंग में पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवारुल हक काकर से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद पुतिन ने कहा कि रशिया और पाकिस्तान में आर्थिक सहयोग की संभावना वर्तमान की तुलना में बहुत अधिक बहुत बड़ी है। पुतिन और काकर ने रशिया और पाकिस्तान के संबंधों को बढ़ाने के कदमों पर चर्चा की। दोनों देशों के नेता चीन की राजधानी बीजिंग में आयोजित बेल्ट एंड रोड फोरम में हिस्सा लेने पहुंचे हैं। रशिया कभी भी पाकिस्तान का साझेदार देश नहीं रहा है, लेकिन ताजा भू राजनीतिक हालातों को देखते हुए रशिया और पाकिस्तान के संबंध तेजी से प्रगाढ़ हो रहे हैं। इसे भारत के लिए खतरे की घंटी माना जा रहा है। पुतिन ने काकर से मुलाकात के दौरान कहा कि हमारे देशों के बीच व्यापार बढ़ा है और ये अच्छे स्तर पर पहुंच गया है। आर्थिक सहयोग की हमारी क्षमता बहुत अधिक है, बहुत बड़ी है और हम उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि हम आपके सहयोगियों को भी सुनने में सक्षम होंगे और हम अपने दृष्टिकोण का आदान प्रदान करेंगे कि कैसे और क्या अतिरिक्त कदम उठाए जा सकते हैं। हम सभी क्षेत्रों में हमारे सहयोग को बढ़ाने के लिए कदम उठाए हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि काकर ने पुतिन के सामने भी अपना कटोरा फैलाया। साथ ही साथ रशिया पाकिस्तान दोस्ती से सतर्क है अपना भारत आखिर क्यों, बता दें भारत शुरू से ही रशिया और पाकिस्तान के बीच बढ़ते संबंधों को लेकर सतर्क है। हालांकि रशिया का कहना है कि भारत के साथ उसके संबंध बहुत पुराने और काफी ज्यादा मजबूत हैं, जो किसी तीसरे देश की वजह से टूटने नहीं वाले। भारत को लेकिन डर है कि चीन की मध्यस्थता के कारण रशिया और पाकिस्तान के संबंध मजबूत हो सकते हैं और इसका सीधा नुकसान उसे होगा, यानी भारत को होगा। रशिया आज भी भारत का सबसे महत्वपूर्ण और भरोसेमंद रक्षा साझेदार देश है। रूस हमेशा से भारत को अहमियत देता आया है, ऐसे में उसके पाकिस्तान के साथ संबंध सुधरे तो भारत के साथ रिश्तों में खटास आ ही सकती है। चलते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ, जहां अंजू नसरुल्ला वाली खबर फिर एक बार आई सामने। इसी महीने पाकिस्तान से वापस भारत लौट रही अंजू बोली, सच सबके सामने होगा। जी हां, जुलाई महीने में बिना किसी को बताए पाकिस्तान जाने वाली अंजू अब इसी महीने के आखिरी में वापस भारत लौट रही है। उसका कहना है कि वो हर तरह के सवालों का सामना करने के लिए तैयार है। उसने बताया कि बस कुछ दिनों का ही इंतजार बाकी है, उसके बाद सच सभी के सामने आ जाएगा। भारत की अंजू पहले से शादीशुदा है और अरविंद नाम का उसका पति भी है, वहीं उसके बच्चे भी हैं। लेकिन जुलाई के मध्य में वो चोरी छिपे पाकिस्तान चली गई थी। आज तक से बात करते हुए अंजू ने बताया कि मेरे माता पिता और परिवार को सभी जानकारी थी, मुझे किसी से कोई मतलब बनी नहीं है। मेरे खिलाफ अरविंद ने झूठा केस दर्ज करवाया हुआ है, जब कोई मुझसे सवाल पूछेगा मैं उसे जवाब देने के लिए तैयार हूँ। जी हाँ, साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर की बात करें, जहाँ भारत के S-400 को चकमा देने की तैयारी में पाकिस्तान, अबाल बील मिसाइल का किया परीक्षण, बढ़ेगी टेंशन। जी हाँ, पाकिस्तानी सेना की प्रोपेगेंडा विंग इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशंस यानी ISPR ने बुधवार को अबाल बील वेपन सिस्टम का सफल उड़ान परीक्षण किया है। ISPR ने कहा कि पाकिस्तान ने आज अबाल बील हथियार प्रणाली का सफल उड़ान परीक्षण किया। परीक्षण उड़ान का उद्देश्य हथियार प्रणाली के विभिन्न उप प्रणालियों के विभिन्न डिजाइन, तकनीकी मापदंडों और प्रदर्शन मूल्यांकन को फिर से मान्य करना था। अबाल बील पाकिस्तान की जमीन से जमीन पर मार करने वाली मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज 2200 किलोमीटर बताई जाती है। अबाल बील वेपन सिस्टम का प्राथमिक उद्देश्य भारत के S-400 मिसाइल डिफेंस को चकमा देना है। ये मिसाइल परंपरागत और परमाणु हमला करने में सक्षम है। ISPR के अनुसार इस लॉन्च को ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का अध्यक्ष जनरल शाहिद शमशाद मिर्जा, स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन और स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ स्ट्रेटेजिक संगठनों के वैज्ञानिक और इंजीनियरों ने देखा। चलते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ, जहां इजराइल का हुक्का पानी बंद करने की तैयारी में मुस्लिम देश ईरान ने OIC में ऐसा कौन सा प्रस्ताव रखा, बता दें ईरानी विदेश मंत्री हुसैन अमीराबदुल्लाहिये ने इस्लामिक सहयोग संगठन यानी OIC की बैठक में इजराइल पर तेल और अन्य प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि OIC के देशों को गाजा में अल अहली अरब अस्पताल पर घातक हमले को लेकर सभी इजरायली राजदूतों को निष्कासित करना चाहिए। हमास के नियंत्रण वाले गाजा के स्वास्थ्य विभाग ने एक दिन पहले दावा किया था कि इजराइल के हवाई हमले में अल अहली अरब अस्पताल में 500 से अधिक लोगों की मौत हुई है। हालांकि इजराइल ने इससे इनकार किया है, जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया, और दावा किया कि इस हमले का जिम्मेदार हमास है न कि इजराइल। इस बीच इजराइल के दौरे पर पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने भी इस हमले की निंदा की। लेकिन दोस्तों इजराइल कह रहा है कि यह हमला हमास ने किया है, लेकिन ईरान जानबूझकर के इजराइल का नाम लगा करके पूरी दुनिया के सामने इजराइल की इमेज गिराने की कोशिश की जा रही है और OIC से रिक्वेस्ट किया है कि इजराइल को यह सुविधा बंद कर देनी चाहिए। बहरहाल दोस्तों इस पर आपकी जो भी राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। चलते अगली खबर की तरफ, जहां नवाज शरीफ की कानूनी टीम पहुंची इस्लामाबाद हाईकोर्ट, देश वापसी से पहले सुरक्षात्मक जमानत की मांग। जी हां,
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ जल्द ही लंदन से वापस अपने देश आने वाले हैं। दरअसल नवाज शरीफ कई मामलों का सामना कर रहे हैं, ऐसे में जब वे वापस पाकिस्तान आ रहे हैं तो कहा जा रहा है कि उनकी गिरफ्तारी की जा सकती है। ऐसे में नवाज की देश वापसी से पहले पाकिस्तान में उनकी कानूनी टीम अभी से सक्रिय हो गई है। इसी क्रम में PMLN सुप्रीमो को गिरफ्तार करने से रोकने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक सुरक्षात्मक जमानत याचिका दायर की गई है। याचिका में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 21 अक्टूबर को देश लौटने पर नवाज को हवाई अड्डे से गिरफ्तार न करने की मांग की गई। इस बाबत अधिकारियों को उचित निर्देश देने के लिए भी कहा गया है ताकि नवाज को अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करने की अनुमति मिल सके। जी हाँ, यानी कि यूँ समझ ले दोस्तों कि नवाज शरीफ डरे हुए हैं, उनका शरीर कांपता नजर आ रहा है कि सिक्योरिटी के बाद भी अगर उनको पाकिस्तान में धर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया, तो फिर उसके बाद उनका पाकिस्तान से निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए पूरे तरीके से सिक्योरिटी लेने की कोशिश की जा रही है। चलते एक और खबर की तरफ, जहां यूनाइटेड अरब अमीरात यानी UAE करेगा उत्तराखंड में 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट। CM धामी के दौरे के दौरान हुआ ये बहुत बड़ा समझौता। बता दें उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के लिए संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE की अपनी यात्रा के दूसरे दिन उत्तराखंड सरकार के प्रतिनिधि मंडल ने बुधवार को अबू धाबी में विभिन्न औद्योगिक समूहों के साथ बैठक की। UAE दौरे के दूसरे दिन मुख्यमंत्री धामी की मौजूदगी में राज्य सरकार की ओर से विभिन्न समूहों के साथ 3,550 करोड़ रुपए के निवेश MOU पर हस्ताक्षर किए गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी औद्योगिक धाराओं को 8 और 9 दिसंबर को देहरादून में आयोजित होने वाले समिट के लिए आमंत्रित भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी के साथ कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। जी हां दोस्तों, ऐसे में UAE का आप लोग थैंक यू जरूर कहिएगा। चलते हैं एक और खबर की तरफ, जहां शरद पवार के बयान पर पीयूष गोयल का बड़ा पलटवार, कहा परेशान करने वाली बात। जी हां, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बुधवार को इसराइल हमास युद्ध पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रुख की आलोचना को लेकर राकांपा प्रमुख शरद पवार पर पलटवार किया और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री की टिप्पणी को परेशान करने वाला और बेतुका बताया। उन्होंने कहा कि ये अफसोस की बात है कि भारत के पूर्व रक्षा मंत्री का आतंकवाद से संबंधित मुद्दों पर इतना अनौपचारिक दृष्टिकोण था। उन्होंने फेसबुक पोस्ट में लिखा कि ये बहुत परेशान करने वाली बात है जब शरद पवार जी जैसे वरिष्ठ नेता इसराइल में आतंकवादी हमले पर भारत के रुख पर बेतुके बयान देते हैं। दुनिया के किसी भी हिस्से में आतंकवाद के खतरे की निंदा की जानी चाहिए। ये दुख की बात है कि एक व्यक्ति जो भारत के रक्षा मंत्री और कई बार मुख्यमंत्री रहा है आतंकवाद से संबंधित मुद्दों पर इतना अनौपचारिक दृष्टिकोण रखता है। आपको बता दें आखिर शरद पवार ने ऐसा क्या कहा था कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने अपना जवाब दिया। दरअसल शरद पवार ने दावा किया था कि इसराइल ने फलस्तीन की भूमि पर कब्जा किया है। उन्होंने कहा कि जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे पूर्व प्रधानमंत्रियों ने फलस्तीन का समर्थन किया है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि पहली बार हमारे प्रधानमंत्री मोदी इसराइल के साथ खड़े हैं। जिसके बाद दोस्तों पीयूष गोयल ने पवार के इस बयान का जवाब दिया। आप लोग इस पर क्या राय देना चाहेंगे कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। चलते एक और खबर की तरफ, जहां मोदी सरकार NPS में कर सकती है संशोधन, कर्मचारियों को OPS की तरह मिलेगा लाभ। जी हां, मोदी सरकार इस साल के अंत तक राष्ट्रीय पेंशन योजना यानी NPS में संशोधन कर सकती है। इस संशोधन से यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि कर्मचारियों को रिटायरमेंट भुगतान के रूप में उनके अंतिम वेतन का कम से कम 40-45% मिले, जिसकी उच्च स्तरीय पैनल ने सिफारिश की थी। इस मामले से परिचित दो लोगों ने कहा है कि फिलहाल इस पर विचार किया जा रहा है। बहरहाल दोस्तों ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, रिश्तेदारों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए